हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए मेरा हिबिस्कस प्लांट तो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको मैं टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ फ्रेंड्स, और आपसे शेयर भी करती रहती हूँ। तो फेब्रुअरी महीने में क्या क्या इसको फर्टिलाइज़र दिया है और कैसे केयर किया है, किस किस प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, ये सारा ही मैंने आपको डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहती है। ये विंटर में भी बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग किया है इस प्लांट ने, और अभी भी चल रही है। तो मैं ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ जिससे साल भर ही फ्लावरिंग होती रहती है, तो आपको ये राज की बात बताऊँगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस टाइम आपको जो काम करना है वो है, आप अपने सारे ही परमानेंट प्लांट की केयर कीजिए, उनको अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, और ज़रूरी है तो इनको रिपोर्ट भी कीजिए, और नहीं तो प्रूनिंग कीजिए। तो इससे क्या होता है, परमानेंट प्लांट में ग्रोथ बहुत ही बढ़िया से होगी और आगे चल के ये बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग भी करेंगे। तो कोई कोई बताता है नीचे के ब्रांच में फ्लावर्स नहीं आते, तो देखिए फ्रेंड्स मेरे प्लांट के एकदम नीचे के ब्रांच में से भी फ्लावर्स आ रहे हैं। तो आपको ऐसा करना है, गुड़हल प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट होता है, तो इसको कम से कम 7 डेज़ के गैप में एक बार आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। वो आप सॉलिड फर्टिलाइज़र महीने में एक बार दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र और फोलियर स्प्रे आपको टाइम टू टाइम देना है, वो आपको 7 डेज़ के गैप में देना ही होगा। और मेरे जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये देखिए गजानिया, तो ये परमानेंट प्लांट है, आप तो ये मई जून तक भी फ्लावरिंग करता है कभी कभी। और ये देखिए मेरा बोगनविला, ये फिर से फ्लावरिंग कर रहा है, तो मैंने इस पर वीडियो शेयर किया हुआ है फ्रेंड्स, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कैसे बोगनविला में फ्लावरिंग आती है। तो ये अक्टूबर के लास्ट से कंटिन्यू फ्लावरिंग करता जा रहा है, और एक बार फ्लावर आती है तो एक महीने तक टिका रहता है। तो जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये देखिए ये वो फर्टिलाइज़र है, और ये है एक बहुत ही आसान से मिलने वाला चीज़, आप सभी के घर में भी मिलता है। तो ये है पनीर का पानी, यानी जो दूध को फाड़ के जो छेना निकलते हैं, इसके बाद जो पानी होता है, ये पानी वो पानी है। तो ये रात को निकला था, तो अभी इसमें थोड़ा सा जैसे लेयर गिरा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, न्यूट्रिशस चीज़ होता है। तो ये हमारे प्लांट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है। तो ये जो पानी है, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, और बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये हमारे प्लांट के न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छी मात्रा में देते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे प्लांट में भी बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। तो हम फ्लावरिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक एसिडिक फर्टिलाइज़र होता है, तो इसको देने से मिट्टी में एसिडिटी की लेवल बढ़ती है और प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है। तो फ्लावरिंग के लिए ये एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र है, और आपको इसे यूज़ करना है तो यूज़ करने की मात्रा जाननी पड़ेगी। और जो बात है, आप अपने सभी प्लांट में इसे यूज़ नहीं कर सकते, जैसे किसी छोटे प्लांट हो गया या सीडलिंग हो गया, तो इनमें आप नहीं दे सकते, आप किसी मैच्योर प्लांट में दे सकते हैं। जैसे कोई प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है या करने के टाइम, आप इसे ज़रूर दे सकते हैं ये फर्टिलाइज़र, और इसे बार बार यूज़ नहीं करना है, महीने में एक बार आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैं अपने हिबिस्कस प्लांट में दे रही हूँ, तो मैं इसे महीने में एक बार अपने प्लांट में देती हूँ और सारे ही फ्लावरिंग प्लांट में देती हूँ। तो गुड़हल में भी इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है और गुड़हल को भी एसिडिक मिट्टी पसंद होता है। तो आप अपने हिबिस्कस में दीजिए, और इससे फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होती है, और प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है।
क्योंकि इसमें इतना सारा न्यूट्रिशन मिला हुआ है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है। तो आप अपने सभी प्लांट में इसे दे सकते हैं, लेकिन इसे दिन के टाइम ही देना है और जब पॉट की मिट्टी ड्राई हो तभी देना है, गीली मिट्टी में बिल्कुल नहीं देना है। तो मैं अपने तो जितने सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सभी को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और मिट्टी एसिडिक होने से ही फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। तो आपको कभी इसे फेंकना नहीं है, आप अपने सारे प्लांट में दीजिए और इसके न्यूट्रिशन से प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो फ्लावरिंग की असली राज ये होती है, मिट्टी की एसिडिक लेवल अगर मेंटेन रहे तभी प्लांट में फ्लावरिंग अच्छे से होती है और सभी प्लांट में होती है। तो ये न्यूट्रिशियस चीज़ अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ कीजिए और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।